इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला में यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेड के बेहतरीन स्टॉक्स, ब्रेकआउट के बेहतरीन स्टॉक्स, मल्टीबैगर स्टॉक्स मैं आपको रेगुलरली पिछले 3 महीने से आपको दे रहा हूं और आगे भी पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपको स्विंग ट्रेड के बेहतरीन अवसर, मौके, स्टॉक्स आपको राइट टाइम और राइट एग्जिट एंट्री के लिए देता रहूँ। सबसे पहले मैं 998 सब्सक्राइबर्स, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा दोस्तों, आपके विश्वास के लिए, रेगुलर वीडियो देखने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं। आज फिर से मैं लेके आया हूँ कुछ स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल राइट लोकेशन पे है, जहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के जो ट्रेड्स हैं वो उनका टाइम फ्रेम आप 5 डेज टू 25 डेज तक रख सकते हैं दोस्तों। 1 वीक के अंदर आपको अगर 5% से लेकर 10% तक पैसा बन जाता है तो आप कैलकुलेट कीजिए कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, आपका कितना पैसा बन जाएगा। आपको अनएजुकेटेडली ऑप्शंस की तरफ नहीं भागना चाहिए, अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा आपके लिए, आप अच्छा पैसा बना सकते हो ऑप्शंस में, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन करके। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको पोजिशनल स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स के स्टॉक्स में ही एंट्री करनी चाहिए। तो हम, मेरा प्रयास यही रहता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका नुकसान ना हो, इसलिए मैं मोस्टली आपको शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स देता हूँ और पोजिशनल स्टॉक्स देता हूँ, पोर्टफोलियो के स्टॉक बताता हूँ, जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो पोर्टफोलियो में रहकर आपको अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो हम अभी डिस्कस करेंगे वीडियो में हर स्टॉक्स का एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस उसके चार्ट के ऊपर, और इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्जेस चार्ट्स क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कल जो हमने डिस्कस किए थे उसके कितने पास या दूर रहे हम, तो अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको हमेशा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा और आपको अपडेटेड ट्रेड कॉल्स, अपडेटेड एजुकेशन, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आपके यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, कमेंट करके आप प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो के अंदर बताए गए स्टॉक्स कैसे लगे हैं, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मैं राइट पाथ पे जा रहा हूँ या राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो स्टॉक्स आपके मन में है, आपके पोर्टफोलियो में है, वो स्टॉक्स भी मेरे को बता सकते हैं, उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। तो अभी डिस्कस करते हैं दोस्तों आपके फायदे का सौदा, जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए ज़्यादा कमा के जा सकता है। पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये देखिए निफ्टी का चार्ट, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं कैंडल्स को। ये मैंने आपको बताया था कि ये डब्लू फॉर्मेशन में बन रहा है, डबल बॉटम हो गया यहाँ पे, डबल बॉटम होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा और वो कर भी रहा है 2 दिन से। आज भी नेगेटिव गई थी मार्केट काफ़ी, आज के दिन का लो देखिए कितना है, 17380 ये लो है इसका, बट इसने लास्ट में वापस पुल बैक किया है, पुल बैक होने के बाद 17500 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गई निफ्टी, 17516 पे बंद हुई है। नेक्स्ट हर्डल 17550 की है, 17550 के ऊपर 17660 हमें देखने को मिल सकता है, तो आप अपनी पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं दोस्तों। उसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी है, थोड़ा सा देखो ये दोनों कैंडल है ना, ट्विन ट्विन कैंडल बन गई है, ट्विन कैंडल यहां से इसको, अब जो एमएसीडी लग रहा है, एमएसीडी से क्या लग रहा है, ऊपर जा रही है मार्केट, ग्लोबल व्यू क्या करें, हल्की सी साइडवेज या डाउन ट्रेंड में है, तो निफ्टी ज्यादा बुलिश लग रहा है बैंक निफ्टी से, तो ट्रेंड ट्रेड अपनी उसी प्रकार से लेना दोस्तों। मेरे को लगता है कि ये जो है ना 50 EMA की जो लाइन है 37600 की, 37650 ये लाइन, यहां पे ये जाने की कोशिश करेगा कल, तो आपके ट्रेड उसी प्रकार से लेना दोस्तों। अभी हम ना स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, जो स्टॉक्स हमने पहले भी दिए हैं और अब भी वापस से उन पे काम कर रहे हैं हम। जी जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक हमने देखो काफी टाइम से, मैंने ना
316 पे यहाँ करीब आ रहा था, तो मैंने कहा था 316 के ऊपर आएगा ना तो इसके अंदर एंट्री लेनी है, और इसके टारगेट 360, 370, 410 के टारगेट थे। तो अभी देखिए ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग के ब्रेकआउट करके ऊपर बंद हुआ है, ये 367 पे बंद हुआ है। आज का हाइट 3671 था इसका हाई, तो 371 के हाई ने क्या किया है, हमारे जो दो टारगेट थे 360, 370 के कंप्लीट कर दिए यहाँ पे, उसके बाद 410 और 420 के टारगेट की तरफ ये जा रहा है स्टॉक। तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होगी कैडिला हेल्थ केयर। ये देखिए हल्का सा एमएसीडी पॉजिटिव नजर आ रहा है, पॉजिटिव तरफ में जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे ये आरएसआई भी ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है, डेली कैंडल है, डेली कैंडल में ये जो इसका ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट के ऊपर इसने कल ग्रीन कैंडल दी थी। ग्रीन कैंडल का आज देखो क्या हुआ है कि ग्रीन कैंडल के बिल्कुल जहां पे कल क्लोज हुई थी वहीं पे ही क्लोज हुई है, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो कल पूरे कोशिश करेगा ये अपना 20 EMA के ऊपर क्लोज होने की, 468 के ऊपर क्लोज होने की। 468 के ऊपर क्लोज होता है तो हम ये जो है इसका जो नेक्स्ट 50 EMA है 494 यहाँ तक के लिए जा सकते हैं, और जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो हमारा टारगेट है इसके अंदर 525, 565, 610। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं दोस्तों, ये EMA 20, 50, 100 और 200 EMA। अगर आप चार्ट रीडिंग करना सीखना चाहते हैं तो ये अपने आपके चार्ट के अंदर ये ईमेल लाइंस जरूर ड्रा कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी डायरेक्शन ही आपके ट्रेड की डायरेक्शन बताती हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल में आप देखेंगे मार्क किया हुआ है मैंने, इसने मेरा पहला जो टारगेट था ना अपना वो अचीव कर लिया 185 का, ठीक है। 185 अचीव करने के बाद ये आज हाई बनाया था 190 का, 190 पे इसके कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई हल्की सी, बट स्टॉक अभी भी पॉजिटिव रेंज में है, बाइंग साइड में है। एमएसीडी बहुत ही अच्छा सिग्नल है, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, तो ये सिग्नल है कि आपको इसके अंदर अभी भी पोजीशन ले सकते हो। अगर आपने नहीं लिया तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 210 एंड 250। यू कैन होल्ड सम पोजिशन इन दिस स्टॉक 5-7% इन योर पोर्टफोलियो, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सचेंज सॉल्यूशंस। बहुत दिनों के बाद इस स्टॉक ने इतनी अच्छी कैंडल दी है, बहुत दिनों के बाद। 95 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये बार बार 95 पे आगे वापस जा रहा था। मेरे एक अच्छे दोस्त के पास है इसकी इन्वेस्टमेंट, उसको मैंने आज ही बताया कि आप इसको होल्ड कीजिए, अगर आपने अभी भी हैं होल्ड कीजिए। ये यहाँ से देखिए एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको आपको नज़र आ गया होगा जहाँ तक मेरे को यकीन है, क्या लगता है दोस्तों, ये डबल बॉटम करके 122 और 140 के स्कोर को आगे लेके जाएगा? मुझे लगता है, क्या आपको लगता है? ये आपको मैं इसका MACD दिखा देता हूँ, MACD विद वॉल्यूम्स है, सिंपल MACD नहीं है, विद वॉल्यूम्स। तो लेट्स सी कि हम जल्दी इसको शॉर्ट टर्म में 135 और 150 की तरफ जाता हुआ देखेंगे। जो दोस्त 135-137 पे प्रॉफिट बुक करना चाहे तो वो कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक इज आइडिया। जब भी आइडिया का स्टॉक आता है तो मैं क्या बोलता हूँ, वाह क्या आइडिया आया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो सर ये आइडिया अभी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा होगा। हम मैंने अपने एक दोस्त को 5.5-6 रुपये के आसपास बोला था कि इसको बाय कर सकते हैं, उसके पास अभी भी होल्डिंग है, उनका पैसा 3 गुना हो चुका है, 3 times 16.40 रुपये पे उनका पैसा 3 गुना हो चुका है। कुछ लोगों ने एंट्री ली थी 10.30 रुपये पे, तो उनको भी अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं, अभी अराउंड 60% के रिटर्न तो मिल रहे हैं, 50-60% के रिटर्न कम होते हैं, 50-60% के रिटर्न नहीं होते ना। तो हमारे जो शॉर्ट टर्म के टारगेट थे 16-19 उसके बीच में पहुंच गए, जल्दी 19 को टच करने वाला है। 19 को टच करने के बाद अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियल क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो 400 बुक कर लेना, 600 को 29 के लिए वेट कर सकते हो, होल्ड कर लेना। 29 आ जाए तो वहां पे आप उसमें से फिर 200-300 शेयर निकाल देना, फिर 39 के लिए वेट कर लेना। तो जैसे टारगेट अचीव होते हैं वैसे वैसे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए।
एकदम से सारी क्वांटिटी के साथ होल्ड करके नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट होगी तालना प्लेटफॉर्म्स। देखो सर, तालना प्लेटफॉर्म में मैंने यहाँ पे 1020 1030 के आसपास मैंने बोलना स्टार्ट किया था। रीजन था ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको कहीं पे भी चार्ट में दिखता है ना, डेली में, वीकली में, मंथली में, बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट पे आप एंट्री लीजिए। नीचे नहीं लेनी है, उसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के बाद जो इसकी हेड की डेप्थ है, इतने टारगेट तो आराम से निकल जाएंगे। और इसने क्या दे दिया, मैंने आपको बोला था 1920 और 2200 रुपये के टारगेट के लिए, पैसा डबल। यहाँ पे हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल है, 1846 रुपये पे क्लोजिंग है इसकी, 2000 पे पैसा डबल हो जाएगा। आपको लगता है पैसा डबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अभी करीबन 80% के रिटर्न आ चुके हैं अभी इसके अंदर, 80% के रिटर्न। जो दोस्त ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 30-40% क्वांटिटी है, बुक कर लीजिए दोस्तों। हाँ, ये डबल पैसा डबल करेगा, श्योरली करेगा, पर फिर भी सेफ हैंड में। नेक्स्ट सोगीज फिनोटेक्स केमिकल। फिनोटेक्स केमिकल देखिए अभी क्या ट्रेड कर रहा है, 126 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने लिया ये एमएसईडी के सिग्नल पे, एमएसईडी का सिग्नल अच्छा लगा मुझे, और इसका जो आरएसआई है वो काफ़ी अच्छी रेंज में है, 80। उसके बाद ये स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक ने अभी क्लोजिंग है ना, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी। ये वॉल्यूम आप देखेंगे ना, पिछले सेप्टेम्बर हाफ सेप्टेम्बर से यहाँ तक ही, यहाँ से इतने ये देखिए 17 सितंबर के बाद से अब आया इतना बड़ा वॉल्यूम का कैंडल। तो इतने बड़े वॉल्यूम का कैंडल आया तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हो रहा है। यहाँ पे भी इसने एक सपोर्ट बनाई है, सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है ये। अभी क्लोजिंग कहाँ हुई है, क्लोजिंग हुई है 20, 50, 100 और 200 ईएमए के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है ये। ये 126 पे अभी क्लोज हुआ है, 140-160 ये टारगेट के साथ इसमें इन्वेस्ट करते शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट होगी एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आज एक साहब ने हमें डे टाइम में बोला था एमसीएक्स ले लो क्या, उस टाइम मैं सीट पे नहीं था इसलिए चार्ट नहीं देख पाया था, तो उनका जवाब मैं अभी देना चाहूँगा। दोस्त एमसीएक्स होल्ड अगर आपने बाय कर लिया तो होल्ड करके रखिए। अभी 1750 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1750 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और लुक एट दिस एमएससीडी, बिल्कुल राइट लोकेशन है, राइट लोकेशन। देखो दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं आपको वो स्टॉक बताता हूँ जो राइट टाइम ऑफ एंट्री है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना पैसा कब बनता है, जब आप कोई चीज़ सस्ता खरीदते हो और महंगा बेचते हो तो पैसा बनता है, ये सबको पता है। बट क्या सबको पता है कि राइट लोकेशन क्या है, कि कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक के अंदर? तो दोस्तों ये वो राइट लोकेशन है जहाँ पे आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यहाँ पे आप एंट्री लीजिए। डेली कैंडल बता रहे हैं हम, ये 1746 की क्लोजिंग है, 1828-2000 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाएंगे दोस्तों। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आप वीकली कैंडल भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये ना ये क्या पैटर्न बता देता हूँ आपको, ये डाउन ट्रेंड के अंदर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। ओके, मॉर्निंग स्टार एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे कि ये 20, 50, 100, 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों ये टारगेट मेरे हिसाब से तो आराम से अचीव कर लेना चाहिए इसने, बाकी प्रभु की इच्छा है और स्टॉक की इच्छा है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक है सर अपने आज के वीडियो का, नेटवर्क 18 मीडिया। कैंडल को थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ, पहले वॉल्यूम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आज के वॉल्यूम देख लो, कहाँ पे है वॉल्यूम, ये आज का वॉल्यूम मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली आप यकीन मानना इसके अंदर किसी इंस्टीट्यूट ने एंट्री कर ली आज। ये देखो वॉल्यूम की कैंडल का मैंने लाइन लगाई है, पीछे कब से कभी इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल नहीं आया, कभी भी नेवर। ये देख लीजिए आप, कभी भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया इतना बड़ा। तो इसके अंदर अभी किसी इंस्टीट्यूट ने एंट्री ले ली है। जब किसी इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि स्टॉक में दम है, मैंने ये स्टॉक आपको पहले भी दिया था, देखो मेरी ये लिस्ट में पहले भी था, 180 और 200 के टारगेट मैंने आपको पहले ही दिया था। ये मैं वापस से आपको दिखा रहा हूँ स्टॉक, ये नई फ्रेश कॉल नहीं है मेरी तरफ से ये। बट एमएससीडी क्या कह रहा है, बिल्कुल राइट टाइम ऑफ एंट्री है, एंट्री करने का राइट टाइम आ गया इसके अंदर, यहाँ पे एंट्री लीजिए। शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं तो 100-120 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग प्लानिंग कर रहे हैं
तो आपको 170-200 के टारगेट आपको नियर फ्यूचर में इस स्टॉक में मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स थे जहां पे आप एंट्री करके अपना पैसा बना सकते हो। कुछ दोस्त हैं जो हमको यहाँ पे टेलीग्राम के चैनल पर भी अपने को ज्वाइन कर सकते हैं, मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला में आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करके आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ यूट्यूब के अलावा डेली ट्रेड कॉल्स मिलती रहेंगी विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि मैं आपसे ट्रेड कॉल के बदले में पैसा नहीं मांगता दोस्त, आपका प्यार और आपका साथ यही दो चीज़ रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों ये वो स्टॉक थे और ये मेरा मनी मंत्रा का चैनल है। देखो मोटिव क्या है मेरा, मोटिव लेट्स ग्रो टुगेदर, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या हम एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं? क्या मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ अच्छे से? क्या मैं रेगुलरली आपको अच्छे ट्रेड कॉल दे रहा हूँ? अगर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हाँ है तो दोस्तों बिंदास होके मेरे यूट्यूब चैनल को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एटलीस्ट एक, हर बंदा एक बंदे को भी सब्सक्राइब करवाएगा तो अपनी गाड़ी पार हो जाएगी दोस्तों। जिन दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो कंप्लीट देखने के बाद भी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको रेगुलर क्वालिटी कंटेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं, ट्रेड कॉल्स मिलती रहती हैं फॉर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोजिशनल स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, मल्टी बैगर स्टॉक्स। वीडियो के अंत में वीडियो देखकर सर प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, आपके लाइक वीडियो की जान है, आपके कमेंट मेरे को राइट पाथ बताते हैं कि मैं रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। थैंक यू बोलने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप देखो मैं चाहता हूँ आप सब लोग वीडियो देखें, स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और खूब सारा पैसा कमाएं, पर उस पैसे का कुछ हिस्सा भारत देश के वीर सिपाहियों के नाम पर दे दीजिए सर, आर्मी वेलफेयर में दे सकते हैं कुछ पैसा गरीब लोगों को जरूर दान दीजिए, चैरिटी करना सीखे सर, चैरिटी मन को बहुत ही प्यारी शांति मिलेगी, मन की शांति सबसे बड़ी चीज़ है सर। जिन लोगों को खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा उनके लिए खाना दे सकते हैं सर, सर्दियों के कपड़े दे सकते हैं उनके लिए। तो इस रिक्वेस्ट के साथ ही मैं आपसे अलविदा बोलूँगा आज के वीडियो के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली, और मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करवाना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, 31 मार्च का टारगेट 2000 का है अब नेक्स्ट टारगेट। थैंक यू, हैव ए वंडर।